नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओ नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं बस 7-8 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हेलो। हाँ हेलो बेटा। माँ अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा तुझसे बस इतना पूछना था, तूने खाना खाया कि नहीं? माँ कहाँ ना बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने फोन। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी। कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा बेटा वैसा नहीं है। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पे खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए। मैं तो कहता हूँ बस आप भजन कीर्तन में अपना दिल लगाइए। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आपको कोई पूछता तक नहीं है। हाँ हेलो बेटा। मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं कहाँ ना बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, बहुत जल्द आऊंगा आपको, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं कहाँ ना बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, बहुत जल्द आऊंगा आपको। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा। हाँ माँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ फिर आता हूँ। आपको मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मेरी बात मानिए, ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, देख लीजिएगा मेरा बेटा मुझे लेने आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। देखिए शारदा दी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ इस वृद्ध आश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, देख लीजिएगा वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हेलो। हाँ बेटा सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ माँ वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि माँ आप और कुछ दिन वहाँ मैनेज कर लो। मैं बहुत जल्द आऊंगा आपको लेने, ठीक है माँ? शारदा जी एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए।
एक और बार ट्राई करिए ना। फोन कट गया शारदा जी। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। दादा ने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल दिल मरने के लिए। मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7-8 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7-8 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है। तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था।